जो फिल्म में दारू का उपयोग है बहुत टाइम से चलता आ रहा है, आपने भी ये एक्सेप्ट किया कि पहले भी यूज हुआ है, बाद में सुधार चेंजेस पे जा रहे हैं, मूवीज में भी ऐसे सीक्वल्स बनती है, आपको क्या लगता है अभी ये फैशन हो गया है? नहीं राजगुरु जी, मैं आपको बताऊं कि इसको इतना गंभीर लेने की जरूरत नहीं है। फिल्म अभी मैं बताऊं, बहन बोल रही थी अभी, बहुत सारी बातें इन्होंने बोली, साथ में हमारे समाज सेवी संस्था के पर्सन भी, उन्होंने भी बोला। ये आज का जमाना जो है या पहले का जमाना है, अमिताभ जी का भी आपने अभी गाना देखा, दूसरे लोग का भी देखा आपने, ये इंटरटेनमेंट के लिए भी पिक्चर बनती है, मैसेज गिविंग भी है, और दूसरा आज इंटरनेट पर दुनिया आ चुकी है, हर बच्चों को पता है कि भाई किसको पीने से क्या नुकसान है क्या नहीं है। अगर आप देख रहे हैं कि आप हनी सिंह का गाना या किसी और का सुन रहे हैं आप, तो अगर वो किसी ऐसे कल्चर को, यूथ को, किसी पॉप में जा रहा है, किसी प्रोग्राम में जा रहा है या नाइट क्लब का कोई सीन है, तो लोग उसके अंदर, अगर उसके अंदर क्या होगा, अगर इसी तरह के गाने होंगे, शराब से रिलेटेड होंगे, यूथ कल्चर से रिलेटेड होंगे। आज की युवा पीढ़ी इतनी जागरूक है कि आप देखेंगे कि कोई जरूरी नहीं कि जितने लोग पिक्चर देखते हैं उतने शराब पीते ही भी होंगे। बहुत से परसेंटेज लोग ऐसे भी हैं जो पूरी पिक्चर देखते हैं, सारे गाने का मजा लेते हैं, लेकिन बहुत से युवा ऐसे भी हैं आज के समय में जो शराब को नहीं छूते, उसका मजा लेते हैं। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि कॉमर्शियल ढंग से जो पिक्चरें बनाई जा रही हैं, उसके अंदर ये बात से मैं जरूर सहमत हूं कि हमें जानबूझ के किसी भी मामले में बहुत ज्यादा शराब का आकर्षण बढ़ाने के लिए इस तरह के गाने नहीं बनाने चाहिए, या इससे बचना चाहिए कि जिससे इसका इसके प्रति युवाओं का जो है आकर्षण बढ़े शराब के लिए। इसको रोकने के लिए जरूर है कि स्क्रिप्ट के बियॉन्ड जाके जबरदस्ती ना परोसा जाए इस चीज को। लेकिन हाँ, मैं इस चीज का एकदम मैं फेवर करता हूँ कि अगर कहानी के किरदार की डिमांड है, आज की युवा पीढ़ी जो सुनना चाहती है उसके। रुझान जी, राकेश जी, जे रीते रुझान जी राकेश जी कही रहा है કે ફિલ્મમાં જરૂરી છે એટલે ઉપયોગ થાય છે, પરંતુ સવાલ અહીંયા એ છે કે જે જરૂર છે એને શું બદલી ના શકાય, સિક્વલ ચેન્જ ના થઈ શકે? સૌથી પહેલા તો જરૂર છે જ ને, કારણ કે પહેલા બી ડાન્સ સિક્વન્સીસ આવતા હતા, એમાં લેટ્સ ડાન્સ ટુગેધર ને એવા બધા ગીતો આવતા હતા, એટલે એવું નતું કે ચલો ચાર વોડકા વોડકા લગાડીએ બટન। પહેલે કી મ્યુઝિક મે આજ કી મ્યુઝિક મે ચેન્જ આયા હે, પહેલે અમિતાભ જી અગર શરાબી પિક્ચર મે અગર ગાના ગા રહે હે ઓર યે જહાં ચાર યાર હો હો વહાં રાત ગુજાર જે શરાબી ફિલ્મ મે ગાના ગા, ઉસ સમય મ્યુઝિક ધૂન અલગ થા, આજ કા म्यूजिक अलग हो चुका है। आपको क्या कहना है राकेश जी, म्यूजिक की वजह से ये दारू का उपयोग होता है? ना 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 ना, जो बहन ने कहा ना कि आज के समय में गाने के बोल बदल गए हैं, म्यूजिक बदल गए हैं, लेकिन हर म्यूजिक के ऊपर कनेक्शन नहीं, बहुत सारी चीजें हैं जो फिल्म के चर्चा भी हो सकता है, बट वो नहीं दिखाना है दारू सी। बेसिकली लेट अस नहीं 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 सर, आप एक्सेप्ट कर लीजिए कि आप लोगों का ऐसा है कि भाई हमारी फिल्म चलाने के लिए यूथ को। ना 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 बहन, मैंने आपकी बात पे मैंने एक चीज कही थी कि आपकी बात एक जगह सही है कि जबरदस्ती हमें किसी भी चीज को बिना किसी कहानी की मांग के इस तरह की चीजों के प्रति आकर्षण अभिनेता के द्वारा जो बढ़ाया जाता है उसका समाज पे गलत प्रभाव जा सकता है। तो बियॉन्ड स्टोरी के जिसकी डिमांड ना हो, और जब बेफजूल का अगर आप इसके अंदर कर रहे हैं कि शराब के प्रति आकर्षण बढ़े तो ठीक है, उसके लिए तो मैं 100% कहता हूं कि निर्माताओं को इसके अंदर सावधान रहना चाहिए, आर्टिस्टों को भी देखना चाहिए कि समाज के अंदर इसका बुरा असर ना पड़े। लेकिन मैं आपको एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर 100 आदमी पिक्चर देख रहे हैं तो कोई जरूरी नहीं है कि उसके अंदर सभी शराब पीने वाले हैं, या आगे पर चर्चा लोगों को देखेंगे जिनके पर कोई प्रभाव नहीं है, जो शराब नहीं पीते। आगे पर चर्चा करीशू।